सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की, इसके बारे में तो पूरा डिटेल यहाँ आपको प्रेजेंटेशन भी किया गया और सब लोगों ने पूरी बात कह दी है। इसके पंचायती राज विभाग के निदेशक ने भी कहा, पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री ने भी कहा, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, सब लोगों ने पूरे बातों के बारे में जानकारी दे दी। और देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। अब किस तरह से हम लोगों ने तो सब जगह बिजली पहुंचा दिया, और जब सब जगह बिजली पहुंचा दिया, गांव-गांव में सबके घर तक बिजली पहुंचा दिया, और जिसके बारे में आपको बता दिया गया कि हर घर नल का जल पहुंचा दिया गया, तो एक एक काम जो कर दिया गया है, पक्की गली नाली का निर्माण कर दिया गया, शौचालय का निर्माण कर दिया गया, स्कूलों के व्यवस्था का सारा काम किया गया है एक एक चीज के लिए, तो हर चीज के लिए जो काम किया गया है, अब जो कुछ भी शुरू से ही तो इसके बारे में जो देखते रहे हैं, लोगों की बात सुनते रहे हैं, और एक बात आई कि जब भाई अब सबको बिजली पहुंचा दिए हैं, लेकिन बिजली पहुंचा दिए हैं तो रात में भी बिजली जलाते रहेंगे, तो वही एक बात आ गई कि एक जो सोलर स्ट्रीट लाइट अगर रात में लग हो जाएगा तो लोगों को अपने घर में बिजली जलाने की जरूरत नहीं होगी, सब जगह रोशनी होगा। तो उसी को ध्यान में रख करके इसके बारे में सोचा गया और इसका पूरा अध्ययन कराया गया। और अभी आपको बताया जा रहा था कि एक एक चीज के बारे में कैसे कैसे हम लोग देखेंगे, कहीं कोई कमी आ गई, कोई दिक्कत आ गई, सब चीज़ को जांच करके देखते रहेंगे और उसके बाद उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, यह सारी बात बता दी गई। तो इसके बारे में तो हम प्रारंभ से ही कह रहे हैं कि भाई जब कोई काम हम लोग करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ काम न कर दें, बल्कि काम ठीक ढंग से क्रियान्वित हो और उसका देखभाल इस तरह से करिए कि वो सुरक्षित रहे। तो इसके लिए सब कुछ हो रहा था। सोलर स्ट्रीट लाइट का तो समझ ही रहा, सोलर स्ट्रीट लाइट लग गया तो रात में रोशनी हो जाएगी, तब कितना अच्छा लगेगा। कभी सोचिए, आप में से हम लोगों में से तो बहुत लोगों का गांव से मतलब है ना भाई, यहाँ सब हमारे पत्रकार बंधु हैं, तो इनमें भी तो बहुत लोगों का गांव से मतलब है। तो जरा याद करिए कि किस तरह से कहीं भी कोई वैसी कोई रोशनी नहीं। अब देख लीजिए, आपको साल दो साल के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा तो जाइएगा तो देखिएगा कि कितना बढ़िया हो गया। अब इसके बाद और कोई नई चीज आएगी सामने, उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे, वो तो आगे की बात है, लेकिन अभी कम से कम ये जो सोलर स्ट्रीट लाइट के जरिए सबको रात में भी रोशनी मिल जाएगी तो ये कितनी खुशी की बात होगी। और एक बार जब इसको किया जा रहा, जो आप लोगों को बता गया कि हर वार्ड में 10 किया जाएगा, हर एक पंचायत में उसका अतिरिक्त 10 किया जाएगा, और विभिन्न जगहों के बारे में आपको बता दिया गया कि जो कुछ भी भवन है तो उन सब चीजों के लिए, जो हम लोगों ने पंचायत सरकार भवन बनाया है उसके लिए, वहाँ कोई अस्पताल है तब उसके लिए, अन्य स्कूल है उसके लिए, तो इन सब चीजों के लिए भी तो वो करेंगे ही, और भी वो चीज देख लेंगे कि अगर मान लीजिए कि किसी वार्ड की संख्या ज्यादा है, 10 लगाने के बाद भी कहीं कुछ कमी रह गई है, तो उसी में जो हर पंचायत को 10 का भी इंतजाम कर दिया गया है ताकि वो भी हो जाए। तो ये सब चीज जो करने के बारे में निर्णय लिया गया है और किया जा रहा है, एक बार क्रियान्वित, इन लोगों ने 5 जगह पर, सबसे पहले हमने कहा कि भाई पहले एक बार करके कुछ जगहों पर देख लीजिए कि भाई ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस बैठे हुए हैं, इनको तो बढ़िया से याद है। हमने कहा कि भाई जा करके जब तक देख नहीं लीजिएगा हर जगह कुछ जगहों पर, तो इन लोगों ने 5 जगह चुन लिया। अब 5 जगह जा करके देख लिया कि भाई किस तरह से इसको कर देंगे, तो वहाँ पर कितना बढ़िया ढंग से सब कुछ हो गया, सब हो गया। और हम तो लगे हुए थे कि जरा तेजी से काम हो जाइए, तो खैर अब हो गया कि सब तरह से इन लोगों का अध्ययन हो गया, एक एक चीज़ को देख लिया, तब ये लोग अब इसके काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। अब देख लीजिए, और हम तो चाहेंगे भाई कि बहुत ही जल्दी से जल्दी, और आप लोग तो कितना राशि लगेगा, कितने जगह पर आप कर रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को हमको रिपीट करने की क्या ज़रूरत है। सब लोगों ने बता ही दिया है कि कितने जगहों पर ये सब चीज़ काम कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो मेरा तो बस यही है कि भाई तेजी से इस काम को कर दिया जाए, नंबर एक, और नंबर दो, इसका मेंटेनेंस को हमेशा देखते रहना बहुत जरूरी है।
क्योंकि बहुत आवश्यक है। उसके बारे में जो बता दिया लोगों को, आपको फिगर दे दिया गया कि किस तरह से सोलर स्ट्रीट लाइट वो कर दिया गया है, तो सब कुछ तो किया जा चुका है कि किस तरह से उसको लगाया जाएगा, तो वहाँ पर तो आप लोगों ने देख दिया। तो ये सब काम को देखते रहना, और आप लोगों ने भी आश्वस्त किया है तो अच्छी बात है, और इसको ठीक ढंग से देखिए। और एक बार जब ये बन जाएगा, देख लिया जाएगा, और जब लगेगा कि इसके अलावे भी कुछ और की आवश्यकता है तो उसके लिए भी काम किया जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ है और बहुत खुशी की बात है। तो आज जो सब लोग यहाँ पर जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी सदस्यगण, पंचायत समिति के प्रमुख उपप्रमुख सदस्यगण, ग्राम पंचायत के मुखिया उपमुखिया और वार्ड सदस्यगण, और सभी ग्राम कचहरी के सरपंच उपसरपंच और पंचगण, और सभी अधिकारीगण, सभी डीएम भी हैं, सब लोग मौजूद हैं, और पंचायत में जो भी हैं सब लोग आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई सारे डीएम को कहेंगे कि कभी कभी ये काम हो रहा है तो जरा कभी कभी घूम करके देखते रहिए कोई कोई जगह जा करके कि कहाँ पर ठीक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं हो कि खाली रहिए, हम तो डीएम लोगों को पीछे लगाते ही रहते हैं पूरे तौर पर, तो वो लोग भी जरा देखिए। और जितने हमारे पंचायत के तीनों स्तर के सभी लोग यहाँ पर इलेक्टेड, हमारे जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के, इन सब लोगों से हमारा आग्रह होगा कि भाई एक एक चीज को जरूर नजर रखिए और देखिए तो खूब अच्छे ढंग से ये काम हो सकेगा। तो आप जानते ही हैं कि सबको आपको बता दिया गया है कि ये 5 वर्ष तक मेंटेनेंस सोलर लाइट लगाने वाले एजेंसी द्वारा ही किया जाएगा, और उसके बाद भी जो पूरे तौर पर मेंटेनेंस करना है उसके लिए भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। तो ये सब काम किया गया है, तो हर तरह से इन सब चीज़ों को देखिए, और तेज़ी से ये हो जाएगा काम तो आप समझ लीजिए, और उसके बाद जब कोई बात आएगी तो आगे जैसा हमने पहले कह दिया उसको किया जाएगा। लेकिन हम एक चीज़ और, सारे पंचायतों के लोग मौजूद हैं तो हम तो एक ही आग्रह करेंगे कि भाई एक बार जहाँ पर जब नया इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद जो फिर एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भी हमने उस दिन जिन बातों की चर्चा की, जरा हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे सब लोगों को, इलेक्टेड लोगों को, कि भाई जरा याद रखिएगा हम जो कोई बात बोलते हैं तो ऐसे ही हम नहीं बोलते हैं, जो ज़रूरत है और जिसमें आप खूब अच्छा काम कर सकते हैं और आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, इसके चलते हमने ये सब सुझाव हमने उस समय भी दिया है। अब देख लीजिए, अब हर घर नल का जल, तब हर घर नल का जल का काम लगभग पूरा हो चुका है, तो देखते जरूर रहिए कि हर घर नल का जल पहुंच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका एक एक हिस्सा है तो वो तो एक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा किया गया है, जहां पर कि जो गुणवत्ता प्रभावित जो इलाका है वहां पर हम लोगों ने किया लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के, कहीं आयरन है, कहीं आर्सेनिक है, कहीं फ्लोराइड है, तो उन जगहों को चुन करके हम लोगों ने ये काम दिया लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, लगभग 50% है लगभग, और बाकी पंचायतों में किया गया, वार्ड में किया गया। तो अब उसका, अब वार्ड में जो भी किया गया उसका मेंटेनेंस के लिए भी, तो हर तरह से जो इंतजाम किया गया है, तो कृपा करके एक एक चीज को देखते रहिएगा। और जो जितने भी वार्ड के सदस्य हैं तो भाई उनकी एकदम बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ना, कि इस चीज को देखते रहिएगा कि नल के जल कार्य पंचायतों द्वारा कराया गया, तब रख रखाव की नीति बनाई गई है और उसमें वार्ड सदस्य ही इसके अनुरक्षक के रूप में काम करेंगे, तो कितनी बड़ी आपको जिम्मेवारी है। तो जब आपको इलेक्ट किया है लोगों ने तो आप अपने वार्ड में अगर उसका अनुरक्षण करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि भाई हर घर नल का जल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, क्या कठिनाई हो रही है, अगर इन सब चीज़ों को देखिएगा और उसके मेंटेनेंस के लिए जो देखिएगा, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे, और इसको आप जानते ही हैं कि इसके लिए इसके बदले 2,000 रुपया प्रति माह और वसूली जो होगी उपभोक्ता से शुल्क में 50% की राशि इनको उपलब्ध रहेगा सब चीज़ को मेंटेनेंस के लिए। तो एक एक काम तो कर दिया गया है ना, कि मुफ्त में भी नहीं 2,000 रुपया और जितना भी जो पहुंच रहा है उसके लिए जो कुछ भी आपको उपलब्ध होगा।
तो उसके लिए भी सब तरह का दिया गया है। तो उसी तरह से अब फिर देखिएगा, हर घर पक्की गली और नाली का भी निर्माण कराया गया है तो भी ठीक रहे। देखिए, अगर कहीं कोई रास्ता बना देना सिर्फ नहीं होता है, रास्ता बन गया तो मेंटेन रहे। कई तरह के लोग होते हैं, कहीं टूट नहीं जाए, कुछ इधर उधर नहीं हो जाए, तो इस सबको भी देखना है ताकि कहीं भी घर में, अब आप देख लीजिए तो उसके चलते जो सारा सब किया गया है, पक्की गली और नाली का, आप सोचिए ना भाई, नाली का भी निर्माण, खाली गली ही नहीं, रास्ता ही नहीं बनाया गया भाई, नाली का भी निर्माण कराया गया, तो उसको लेकर के तो हर तरह से सब तरह की सुविधाएं जो दी जा रही है, तो इन सब चीजों पर, इन दोनों चीजों पर तो पूरा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत आवश्यक है। और जिस तरह से अन्य कार्य भी कराए जा रहे हैं पंचायतों में, सब पर आप कृपा करके नजर रखिए। और हम तो यही चाहेंगे, और डिपार्टमेंट जो है आप समझ लीजिए कि अब जो पंचायती राज विभाग है, अब ये पंचायती राज विभाग खाली ऐसे ही बैठा नहीं रहेगा शांति से, कि पंचायती राज विभाग एक एक चीज को मॉनिटर करता रहेगा कि भाई यहां पर काम हो रहा है। जैसे ही आपकी कोई बात आ जाएगी, जब पता चल जाएगा कि यहां पर इस पंचायत में कोई दिक्कत है, तो हमारा पंचायती राज विभाग उस बात को देखेगा और उसके लिए और कुछ भी सरकार को मदद करना होगा, और भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, सब चीज को हम लोग देखेंगे। आप लोगों को हम आश्वस्त करना चाहते हैं, इसलिए हम कृपा करके कहेंगे कि भाई अब आप जानते ही ना है भाई, हम लोग जो कर रहे हैं तो क्या कहें, पंचायत सरकार भवन कहा है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और हमने जो नामकरण उसका किया पंचायत सरकार भवन, मैंने पंचायत के स्तर पर ही आपको हम कह रहे सरकार के स्तर पर है, तो जो भवन का निर्माण हो रहा है बड़ा तेजी से किया जा रहा है, और भी हम लोगों ने कर दिया है, 2000 का भी और सैंक्शन कर दिया है, और जो बचा कुचा है उसके बारे में हमने तय कर दिया है कि एक साल के अंतर्गत बाकी का भी सब अलॉटमेंट कर देंगे, और जितने पंचायत है सबका पंचायत सरकार भवन बन जाए। और पंचायत सरकार भवन में तो जितना इंतजाम किया गया जा रहा, सब तरह का पंचायत सरकार भवन में इंतजाम रहेगा, सब लोग बैठ करके उसमें काम करिए, देखिए, और जिस तरह से भी जो भी सुविधाएं वहां पर है, तो इससे एक लोगों को बहुत सुविधा होगी और आपके लिए भी सुविधा होगी ना। अब आप देख रहे हैं कि खाली केंद्र सरकार का कार्यालय है, अब पंचायत सरकार भवन बन जाएगा तो आपका भी कार्यालय है ना, लोग आकर के वहां पर देखेंगे, इसलिए आपके लिए भी बहुत बहुत बड़ी जिम्मेवारी है।